हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, अभी मैं फिलहाल तो बेंगलुरु में आया हुआ हूँ। कुछ इस तरह का मैं रूम लिया हुआ, आपको रूम भी दिखा दूंगा। कल कुछ ऐसा हुआ था, कल मैं लेट नाइट ट्रेन से निकला था तो वीडियो शूट नहीं कर पाया। अभी फिलहाल मॉर्निंग में बेंगलुरु पहुँच गया हूँ। अभी आपको सब कुछ दिखाऊंगा, मैं जो भी एक्सप्लोर करूंगा बेंगलुरु में सब कुछ दिखाऊंगा आपको। तो हम लोग टोटल 6 जन थे, 6 मेरे फ्रेंड थे, मैं सबको इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपके साथ। और हमने टोटल 3 रूम्स लिए हैं और रूम भी आपको दिखाऊंगा। तो गाइस चलिए। तो गाइस, अभी फ़िलहाल तो मेरी हालत बहुत बुरी है, अभी मैं रेडी नहीं हुआ हूँ। अभी मैं रेडी होके बाहर जाऊंगा। हम लोग बहुत घूमने वाले हैं आज, और कल वंडरला भी जाने वाले हैं हम लोग। तो मैं प्रॉपर वीडियोस शूट करूंगा आपके लिए। अभी मैं आपको रूम्स दिखा देता हूं सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं आपको मेरा रूम दिखा देता हूं। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का मेरा रूम है, और यहां पे बाथरूम है। बाथरूम तो बहुत सही है, बाथरूम आप देख सकते हो, कुछ इस तरह का बाथरूम मिला है हमें। और एक रूम ए वाला है, ये मिस्टर फातिक कोला जो हमारे साथ अभी आए हैं, ये भी मेरा फ्रेंड है। तो फातिक, बेंगलुरु एक्सप्लोर करने चलेंगे ना? लेट्स गो। हाँ, और यहाँ पे आफिफ हमारा। अब तो कितना रेडी होगा भाई, आप बाथरूम में भी सेल्फी? अभी थोड़ा रेडी हो रहा। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो ये वाला कुछ ऐसा रूम है, और जो ये वाला रूम है ये सबसे बढ़िया रूम है। सबसे गंदा भी है। सबसे गंदा भी है ये। महराज देखो यहाँ पे क्या हालत करा के रखा है। ये भी हमारे साथ है बेंगलुरु की ट्रिप के लिए। तो महराज, बेंगलुरु एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हो ना? यस। इस रूम की स्पेशल बात यह है कि यहाँ पे बहुत बड़ी विंडो है जो हम लोग बाहर का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस, अभी मैं पूरी तरह से रेडी हूँ। अभी हम सबसे पहले जाएंगे मॉल को। मैं फिलहाल तो हूँ लुलू मॉल के अंदर, तो अभी देखेंगे, कुछ शॉपिंग करेंगे यहाँ से। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जाने वाले हैं वंडरला पार्क। अभी मैं मेरे रूम पे हूँ। अभी फिलहाल तो मैं अपनी पैकिंग कर रहा था वंडरला जाने के लिए, और मेरे फ्रेंड लोग भी दूसरे रूम में रेडी हो रहे हैं। अभी हमको यहाँ से मैजेस्टिक सबसे पहले जाना पड़ेगा, और वहाँ से बस लेनी पड़ेगी। तो अभी मॉर्निंग के 7:35 बज चुके हैं, और हम लोग जल्दी फटाफट से निकलने वाले हैं। वैसे वंडरला तो 11 बजे ओपन होने वाला है, लेकिन हम लोग जल्दी निकल रहे हैं। और यहाँ पे फुएस भी रेडी है, आफिफ भी हमारा रेडी है वंडरला घूमने के लिए। और कुछ इस तरह के बैग्स हम लोग ले रहे हैं अभी वंडरला। ये तो नहीं ले रहे हैं, कुछ इस तरह के बैग्स अभी वंडरला जाने के लिए कैरी कर रहे हैं। और यहाँ पे महराज, अभी ओला भी फुएस ने बुक कर लिया है फटाफट से। तो चलते हैं आज, शायद हम लोग लाइफ में फर्स्ट टाइम बहुत जल्दी निकल रहे हैं ऑन टाइम पे। तो हमारे दोस्त लोग यहाँ पे पूरी तरह से रेडी है। शेवान, हाँ? अभी भी नींद में हो क्या? हाँ ब्रो, कार का वेट कर रहे हैं ब्रो। अरे बुक। तो गाइस, बेंगलुरु में हम ए वाले होटल में अभी स्टे किए हैं फिलहाल। तो हमारी कैब भी अभी आ चुकी है, हम लोग यहाँ से मैजेस्टिक सबसे पहले जाएंगे। गाइस, अभी हम लोग मैजेस्टिक बस स्टेशन पहुंच गए हैं। तो आप लोग देख सकते हो, अभी हम लोग यहाँ से वंडरला के लिए बस देखेंगे हमारी। और सबसे पहले चीज, हमें कुछ ब्रेकफास्ट करना है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। और अभी सबसे पहले बस भी देखेंगे कौन सी बस है। हम में से कोई भी वंडरला बस पे नहीं गया आज तक, तो हमें सबसे पहले बस देखना पड़ेगा कौन सी बस वंडरला जाती है। तो गाइस, ब्रेकफास्ट में कुछ इस तरह का पराठा और खुरमा के टाइप में लिया है। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या है, लेकिन ये इन लोग खुरमा बोल के दे दिए हमको। ये चटनी है और एक खुरमा है मेरे ख्याल से, और इन्होंने भी डोसा ले लिया है। तो गाइस, बस पूरी तरह से फुल हो गई है। यहाँ पे हमें सीट मिली है, तो यहाँ पे अभी बैठे हैं। तो ये वाली बस अभी जाएगी वंडरला के लिए। तो गाइस, अभी हम लोग इस बस से वंडरला पहुंच चुके हैं फाइनली। तो अभी हम लोग टिकट काउंटर पे जा रहे हैं टिकट निकालने के लिए। देखेंगे टिकट का प्राइस कितना है, और आपके साथ शेयर करेंगे। तो
गाइज यहाँ पे टिकट काउंटर पे बहुत रश है, इसलिए हमने डिसाइड किया कि ऑनलाइन बुकिंग करेंगे। अभी हम लोग टिकट ऑनलाइन बुकिंग करने वाले हो। फाइनली अभी हम लोग वंडरला आ गए हैं। तो आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ से टी शर्ट बाय किया था जो मुझे लगभग 170 के करीब मिला था। और अभी हम लोग बहुत एक्साइटेड है, अभी हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट किस पे जाएंगे, बहुत एक्साइटेड है। तो अभी यहाँ पे मेरे साथ टॉपिक पे है, अभी देखते हैं, इन्जॉय करते हैं। गाइस आप लोग देख सकते हो रोलर कोस्टर, इस झूले पे बैठने के लिए बहुत एक्साइटेड है। गाइस जिसके लिए हम आए थे हमारी ओवर राइड तो पूरी हो गई है, अभी हम लोग जा रहे हैं वाटर स्लाइड्स के लिए। तो अभी देखते हो, बहुत डेंजर था गाइस, मैं वीडियोस डाल दूंगा। अभी हम लोग फिलहाल तो वाटर स्लाइड्स के लिए जा रहे हैं। तो हमें कुछ इस तरह का खाना मिला है अभी वंडरला के अंदर, हमारे टिकट के अंदर मील इंक्लूडेड था, तो इस तरह का खाना मिला है अभी यहाँ पे। बिरयानी, चिकन बिरयानी, कोक, और आप लोग देख सकते हो मॉर्निंग के अभी 6 बज चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं चाय पीने के लिए। यहाँ पे कुवैत, हफीब और फातिक है मेरे साथ, और 2 लोग रूम में सो रहे हैं अभी भी। दोस्तों आप लोग ये देख सकते हो, ये पूरी यहाँ की होटल की जिम है, जो हम लोग अभी रह रहे होटल में, ये पूरी यहाँ की जिम है। तो आप लोग देख सकते हो, तो गाइज आप लोग देख सकते हो फिलहाल। तो हम लोग अभी चेकआउट करके यहाँ पे बैठे हैं। हमारे मोहम्मद रफ़ी भाई, तो सही नाम है ना आपका? हाँ, इन्होंने हमारी अच्छी सर्विस की इस होटल में। इस होटल का ये नाम है ब्लूम्स स्टे इन। तो आप लोग देख सकते हो, अगर आप बेंगलोर आएंगे तो यहाँ पे विजिट ज़रूर करना, बहुत अच्छी सर्विस है। तो हमें तो बहुत अच्छी लगी, रीजनेबल प्राइस में भी है। तो यहाँ पे मोहम्मद रफ़ी सर, थैंक यू। तो गाइस फाइनली हमारा चेकआउट हो गया है अभी। कल रात को हम लोग आए थे वंडरला से, बहुत थक गए थे इसलिए डायरेक्ट आके सो गए, मैं एंड वीडियो शूट नहीं कर सका। तो अभी हमारा चेकआउट हो गया है फाइनली, आप लोग देख सकते हो। प्रतीक भाई, शेवान भाई, सब लोग हैं यहाँ पे। अभी हमारी शाम के 6 बजे ट्रेन है, डायरेक्ट रेलवे स्टेशन को यहाँ से जाएंगे और भटकल के लिए निकलेंगे।